नमस्कार दोस्तों, आज हम बोड़के कॉलोनी में आए हुए हैं। यहाँ पे सांप होने की जानकारी मिली है। संतोष गुप्ता जी है जिनके यहाँ पर ये सांप निकला है और देखते हैं कौन सा सांप है। आइए वीडियो में अंत तक बने रहिए। देख सकते हो दोस्ता, कोबरा सांप है ये। और अरे उसको पकड़ो, बहुत ही जहरीला सांप है दोस्तों ये। और ये न्यूरोटॉक्सिन जहर पाया जाता है। छोटा सांप है, कोबरा सांप है ये। अब देख सकते हो किस प्रकार से हमें डराने की कोशिश कर रहा है। और देखो, अरे बहुत अरे खतरनाक है। अरे मेरे पैर से मत करो, इससे एक ऊपर है कॉमन करेस्ट। गुस्सा आ रहा है उसको। आप देख सकते हो दोस्तों, कोबरा सांप है ये। हाईली वेनमस स्नेक है, भारत का जहरीला सांप। और ये छोटा बच्चा है और ये गुप्ता जी के यहाँ पर निकला है। तो अभी इसका रेस्क्यू करते हैं। और आपको बता दें दोस्तों, ये कोबरा सांप एक बहुत जहरीला सांप होता है। इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन जहर पाया जाता है। अगर ध्यान रखना है कि अगर इस प्रकार का सांप अगर बाइट करे तो आपको हॉस्पिटल का सहारा लेना है। किसी भी प्रकार से झाड़ फूक या ओझा बुनी के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। ये बात है। अगर आप झाड़ फूक के चक्कर में पड़ोगे तो मारे जाओगे, क्योंकि सांप का काटा हुआ व्यक्ति सिर्फ एंटीविनम से ही बचाया जा सकता है, अन्यथा किसी भी प्रकार से कोई मंत्र तंत्र से नहीं। और हमारा उद्देश्य दोस्तों सांपों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी। चलो ऐसी चल। नहीं, जैसे मान लो ये ऐसा है, अपन पैर में ऐसा ले जा रहे हैं और वो ऐसा काट नहीं सकते। दोस्तों हमने कोबरा सांप का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है। इसे इंग्लिश में स्पेक्टिकल कोबरा और हिंदी में नाग के नाम से जाना जाता है। इसका साइंटिफिक नेम नाजा नाजा है दोस्तों। ये सांप जो है एक जहरीला सांप है और इसका हमने सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है। इसे लेके चलते पर्यावरण की ओर। और हमारा कार्य दोस्तों आपको अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका अपना YouTube चैनल श्रीकांत विश्वकर्मा स्नेक सेवर। तो चलते दोस्तों, जय हिंद जय भारत। चाहत ऐसी है